बारिश का मौसम किसे नहीं पसंद, खासकर जब घर में गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हों। आज सुनैना, सुनैना का छोटा भाई सोहन, जो सुनैना से 2 साल छोटा है, पिताजी और माँ घर पर ही थे। पिताजी उनके मनपसंद आलू प्याज के पकौड़े बना रहे थे। सुनैना के मुंह में तो पानी आ रहा था। इतने में सोहन दीदी दीदी चिल्लाता हुआ आया और सुनैना को खींचकर खिड़की के पास ले गया। दीदी देखो, आसमान में बिजली कड़क रही है। लगता है बहुत जोर से बारिश आने वाली है। इतने में घर की बिजली कट गई। अरे भाई, कोई जरा टॉर्च लेकर रसोई घर में आओ और मेरी मदद करो। पिताजी की आवाज सुनते ही सोहन और सुनैना ध्यान से रसोई घर की तरफ गए। माँ टॉर्च जलाने लगी पर टॉर्च जली नहीं। माँ जरा मुझे दिखाओ। सुनैना ने बाहर की रोशनी में जाकर टॉर्च को अच्छे से देखा। इसका बल्ब तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, बैटरी खोल कर देखती हूँ। सुनैना ने जैसे ही दोनों सेल निकाले तो देखा कि उनमें से एक सही तरीके से नहीं लगा हुआ था। अरे यह सेल तो उल्टा लगा हुआ है, अब ठीक से लगा के देखते हैं। सोहन यह सब बहुत ध्यान से देख रहा था। जैसे ही सुनैना ने सेल ठीक करके लगाए, टॉर्च चल गई। अरे वाह बेटा, तुमने तो इसे चालू कर दिया। हाँ पिताजी, इसके सेल गलत दिशा में लगे थे, मैंने उन्हें ठीक से लगा दिया। हमने कल ही कक्षा में ये परीक्षण किया था। अच्छा चलो, तुम अब अंदर बैठो, मैं सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आता हूँ। दीदी मुझे भी बताओ ना कि आपने टॉर्च कैसे चालू की। सोहन, टॉर्च एक ऐसा यंत्र है जिसे विद्युत सेल की मदद से चालू किया जाता है। जरा इस टॉर्च को ध्यान से देखो, इसमें क्या है? इसमें एक बहुत छोटा सा बल्ब लगा हुआ है। यह कमरे में लगे बड़े बल्ब जैसा है, लेकिन बड़ा बल्ब तो बिजली से चलता है। सही कहा सोहन, उस बल्ब में बिजली तारों के द्वारा आती है। ये तार जमीन या दीवारों के अंदर या बाहर होते हैं। इस टॉर्च में बिजली विद्युत सेल के द्वारा आती है। इसके अंदर जो विद्युत सेल है वो बिजली का उत्पादन करते हैं। हम कल विद्यालय में इसके बारे में और जानेंगे, फिर मैं घर आकर तुम्हें सब बताऊंगी। पक्का दीदी? हाँ हाँ पक्का। इतने में पिताजी गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आते हैं और सभी खूब चाव से पकौड़े खाते हैं। अगले दिन स्कूल जाते समय सुनैना के मन में बहुत से सवाल आए। बिजली की तारों में तो करंट आता है, पर ये करंट आता कहाँ से है? घर में इतनी सारी चीजें हैं जो बिजली से चलती है, वह सब किस प्रकार चलती हैं? कक्षा में जब सीमा दीदी आईं, तो यही सब सवाल सुनैना ने उनसे पूछे। आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं सुनैना। अच्छा हुआ तुमने यह सवाल पूछे। चलो बच्चों, आज कुछ दिलचस्प करते हैं। सीमा दीदी ने सभी बच्चों के 5 समूह बनाए और हर एक समूह को एक बल्ब, कुछ बिजली के तार, प्लास्टिक रबर और एक विद्युत सेल यानी बैटरी दी। सभी समूहों के पास एक बल्ब, बैटरी तथा बिजली के तार हैं। सबसे पहले आप बल्ब का अच्छे से निरीक्षण करें और बताएं कि आपने क्या क्या देखा। बल्ब कांच का बना है और बल्ब के अंदर छोटी छोटी तारे हैं। उन तारों को तंतु कहते हैं। जब हम प्रयोग द्वारा बल्ब जलाएंगे तब आप सब ध्यान से तंतु का निरीक्षण करेंगे। बल्ब का निचला हिस्सा धातु से बना है और गोल आकार का है। सीमा दीदी, इसमें एक जोड़ यानी प्लस और एक घटा यानी माइनस का निशान भी है। वह बल्ब के 2 टर्मिनल हैं, एक पर धन चिन्ह यानी कि प्लस और एक पर ऋण चिन्ह यानी कि माइनस है। अब हम सब इस बैटरी की मदद से बल्ब को चालू करना सीखेंगे। आप ध्यान रखें कि इस बैटरी की मदद से हम विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। यह प्रयोग किसी बड़े के सामने ही करें तथा सिर्फ इस बैटरी की मदद से करें। विद्युत तार या सॉकेट से ऐसा प्रयोग न दोहराएं।
अब आप सब विद्युत तारों में से प्लास्टिक के आवरण या लेयर को हटा दें। आप सभी को एक प्लास्टिक रबर दिया गया है, उसकी मदद से बैटरी, तार और बल्ब को जोड़कर बल्ब जलाने का प्रयास करें। पांचों समूह में काम शुरू हो जाता है। सुनैना के समूह में सुनैना, मोहन, मीना और प्रदीप हैं। सुनैना झट से प्लास्टिक के आवरण को हटा देती है। मोहन बैटरी पर प्लास्टिक रबर चढ़ा देता है और तारों के दूसरे सिरों को बल्ब के अलग अलग हिस्सों से जोड़ना शुरू कर देता है। बाकी समूहों में भी यही प्रक्रिया चल रही होती है। इन दोनों सिरों को जोड़कर मैं बल्ब के निचले हिस्से में लगाकर देखता हूँ। ऐसा करने पर बल्ब नहीं जलता। यह देखो, जिस तरह प्लस या माइनस का निशान बैटरी पर बने हैं, उसी तरह बल्ब में भी है। हम सेल के धन चिन्ह यानी प्लस को बल्ब के धन चिन्ह यानी प्लस से और सेल के ऋण चिन्ह माइनस को बल्ब के ऋण चिन्ह यानी माइनस से जोड़कर देखते हैं। ऐसा करने पर बल्ब जल जाता है। सीमा दीदी, देखो ये बल्ब जल गया। अरे वाह, अब उल्टा जोड़कर देखो। क्या हम इसको उल्टा कर सकते हैं? हम सेल के धन चिन्ह यानी प्लस को बल्ब के ऋण चिन्ह यानी माइनस से और सेल के ऋण चिन्ह यानी माइनस को बल्ब के धन चिन्ह यानी प्लस से जोड़कर देखते हैं। ऐसा करने पर भी बल्ब चल जाता है। सभी समूहों ने अपने अपने तरीके से बल्ब को चालू करने की कोशिश की और सबको सफलता मिली। सभी बच्चे प्रयोग करके बड़े खुश हुए। सीमा दीदी, इतने सारे तरीकों में से केवल कुछ तरीकों से बल्ब क्यों जला? अच्छा सवाल है। आओ साथ में पता करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सुनैना, तुम्हारे समूह में बल्ब कैसे जला? दीदी, हमने सेल के धन चिन्ह को तार की मदद से बल्ब के ऋण चिन्ह से मिलाया, इससे हमारा बल्ब चालू हो गया। जब आप सबने सभी चीजों बल्ब, तार एवं बैटरी को सही तरीके से लगाया तो यह विद्युत के लिए एक रास्ता बन गया। इस तरह की व्यवस्था जहां विद्युत सेल के दोनों टर्मिनल बल्ब के दोनों टर्मिनल से जुड़े होते हैं, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। बल्ब केवल तभी चालू हो पाया जब आपके बनाए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हुई। हाँ। चलो बच्चों, आज हमने जो भी सीखा उसका एक प्रवाह चार्ट बनाते हैं। सीमा दीदी ने बोर्ड पर प्रवाह चार्ट कुछ इस तरह बनाया। विद्युत सेल से विद्युत उत्पन्न होता है, विद्युत प्रवाह जो एक प्रवाह करता है विद्युत परिपथ में, जिससे विद्युत यंत्र चलते हैं। सभी बच्चों ने इसे अपनी अपनी पुस्तिका में बनाया। आज की कक्षा तो बहुत मजेदार थी। मैं घर जाकर ये सब माँ, पिताजी और सोहन को बताऊंगी।